आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने पेपर उठा के देखिए, जनजातियों से क्वेश्चन हमेशा आपके पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, ठीक है? याद रखिए। तो अभी आपने कल ही हम लोगों ने एक जनजाति के बारे में पढ़ा था, आज बात करेंगे जारवा जनजाति के बारे में, क्योंकि आपने देखा है कि COVID-19 से ये भी संक्रमित पाए गए, यानी कि आप कह सकते हैं कि कोरोना वायरस वायरस इन तक भी पहुंच गया है। आप समझिए कि ये लोग तो अपने क्षेत्र से कहीं जाते भी नहीं है, फिर भी इन तक पहुंच चुका है। और याद रखिए, कोरोना की हालत हमारे देश में गंभीर होती जा रही है, तो जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती है, वैक्सीन आने का मतलब है कि आप तक नहीं आ जाता है कोई टीका, तब तक आपको अपनी सुरक्षा रखनी है और अपने परिवार की सुरक्षा करनी है आपको, ठीक है? क्योंकि आप ही जानते हैं कि आपकी वजह से आपका परिवार भी, आप तो डूबेंगे साथ में, आपका परिवार भी डूब जाएगा। इसलिए कम से कम अपने खातिर नहीं, उस परिवार की खातिर अच्छे से रहिए और सुरक्षित रहिए। अभी अगर आप देख रहे होंगे कि 33-34 लाख केस पहुंच चुके हैं। एक समय हम लोग सुनते थे 200 को 200 हुए हैं, 400 केस हुए, 500 केस, आज आप देखिए 34 लाख के करीब केस पहुंच चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी बुरी हालत है। और वही है कि चाणक्य ने कहा था कि दूसरे की गलतियों से सीखिए, अपनी अगर गलतियों को सीखेंगे अपनी खुद की गलतियों से तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। वही हमें देखने को मिल रहा है। जब हमें मालूम था कि चाइना से बाकी देशों में फैल रहा है कोरोना, तब हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तब हम लोग मस्त थे चुनाव में, मस्त थे अपनी सरकारें बनाने में। और आज आप हालत देख सकते हैं कि क्या कितनी भयानक बनती जा रही है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, आप खुद जान रहे हैं, यानी कि पहले ही से बुरी स्थिति में थी, फिर भी आपकी उस जितनी कमी थी उसमें पूरी किसने कर दी? कोरोना वायरस ने। तो इस जनजाति से आपकी पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, जो भी इस तरह की जनजाति है, ठीक है? तो हाल ही में आप देखेंगे, क्या देखेंगे, हाल ही में आपने देखेंगे कि जारवा जनजाति, हाल ही में ग्रेट अंडमानी जनजाति के लोग 9 लोग COVID-19 से संक्रमित पाए जाने के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन ने जारवा जनजाति के लोगों के लिए COVID-19 परीक्षण कराने की निर्णय लिया है। क्या? कोरोना परीक्षण कराने की निर्णय लिया है। देखिए इस तरह की पिक्चर ये है अपने, याद रखिए संस्कृति को अगर अभी हम अपने देश में देखेंगे, जो हमारी परंपरागत संस्कृति रही है, तो जनजातियों में ही देखेंगे आप लोग की अपनी संस्कृति में जी रहे हैं अभी भी वो लोग, वरना हम लोग तो अपनी संस्कृति से बहुत दूर हट चुके हैं। एक समय हमारे यहाँ हुआ करता था, आपने देखा होगा कि दीपावली पर हम लोग महीना भर पहले से तैयारी करने लगते थे, कोई भी त्योहार आता है महीना भर पहले से, 1 महीने से तैयारी करने लगते थे। आज आप देख रहे हैं कोई त्योहार नहीं मनाया जा रहा है, एक दूसरे से मिलने की खत्म। एक समय आप देखते थे कि किसी के गांव में भंडारा भी हो रहा है तो पूरा गांव खाता था, इकट्ठा होता था। आज आप देखिए, आप पड़ोसी के यहाँ अगर कुछ खुशियां मनाई जा रही तो आप उसके उससे दुखी है आप, तो ये हालत है, एकता भी पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। एक बार आप लोगों को मैप पर ले चलता हूं कि कहाँ है अंडमान निकोबार। ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें हमारा प्यारा भारत की अगर बात करूं तो ये हमारा प्यारा भारत। इसमें अगर हम लोग अंडमान निकोबार की बात करूं तो याद रखिए, सभी राज्यों को अच्छे से क्रम से याद रख लीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आपके बन चुके हैं, पूछ लेता है कि किस राज्य की सीमा किससे लगती है। देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, याद रखिए ये कई द्वीप मिलकर बना हुआ है, अकेला एक नहीं है, एक द्वीप नहीं है, यहाँ कई द्वीप है आपके। आपको देखने को मिलेगा इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और केंद्र शासित राज्य है, केंद्र शासित राज्य। और जनगणना की बात करें तो 2011 की जनगणना की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 2021 के आंकड़े आए नहीं है, तो उसके बाद देखेंगे कि बढ़ गई होगी। तो 3,80,581 जनसंख्या है यहाँ की, ठीक है? और जिले की बात करें तो 3 जिले हैं इसमें, राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी बोली जाती है, और इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ लोकसभा सीट आपको एक देखने को मिलेगी, ठीक है? यहाँ लगभग आपके छोटे बड़े सभी को मिलाकर 572 के करीब आपके द्वीप, छोटे बड़े सभी द्वीप मिलेंगे, ठीक है? तो याद रखिए, चलते हैं अपने वापसी आर्टिकल पर। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 6 अधिसूचित अनुसूचित जनजातियां हैं। निकोबार जनजाति के अलावा 5 अन्य जनजातियां, जिनमें आप जारवा देखेंगे, ओंगे देखेंगे, ग्रेट अंडमानी देखेंगे, सोम्पेन देखेंगे और सेंटली देखेंगे, को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों में सूचीबद्ध
किया गया है सर, इन सभी को। ठीक है, पांच PVTGS में से अंडमान निकोबार द्वीप के समूह के प्रशासन ने चार जनजातियों जिसमें आप जारवा, ओंगे, ग्रेट अंडमानी और सोम्पेन से संपर्क किया है, किंतु सेंटिनली जनजाति अपने क्षेत्र में किसी बाहरी व्यक्ति के आगमन पर आक्रामक हो जाती है। कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि एक बाहरी विदेशी व्यक्ति को इन्होंने मार भी दिया था, क्योंकि ये जनजाति क्या करती कि अगर इनकी संस्कृति में कोई हस्तक्षेप करता है, यानी कि इनके क्षेत्र में कोई घुसने की कोशिश करता है, तो ये उस पर आक्रमण कर देती है। ठीक है, कौन सी? सेंटिनली। नवंबर 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका के 27 वर्षीय जॉन एलेन चाउ को सेंटली जनजाति के लोगों ने मार डाला जब उन्होंने उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, तो इसे भी याद रखिए। वर्तमान में जारवा रिजर्व के पश्चिम तट में जारवा जनजाति समूह के 500 सदस्य निवास करते हैं। COVID-19 के मद्देनजर प्रशासन ने ग्रेट अंडमानी और जारवा जनजातियों को क्रमशः जारवा रिजर्व के स्टेट आइलैंड और वेस्ट कोस्ट में स्थानांतरित कर दिया, ताकि उनको बाहरी लोगों के साथ किसी भी संपर्क से बचा जा सके। जारवा जनजाति को COVID-19 के किसी भी संभावित प्रसार से बचने के लिए छोटे समूहों में रहने की सलाह भी दी गई है। जारवा जनजाति की अगर बात करें हम लोग, तो दक्षिण अंडमान एवं मध्य अंडमान द्वीप समूह जारवा जनजाति का निवास स्थान है। कौन कौन सा? दक्षिण अंडमान और मध्य अंडमान द्वीप समूह। वर्तमान में खानाबदोश जारवा जनजाति के लगभग 500 सदस्य 40-50 लोगों के समूह में चड्डा में रहते हैं, जिनको वे अपना घर कहते हैं। व्यवसायिक गतिविधियों की अगर बात करें, तो सुअर, कछुआ, मछली, केंकड़ा आदि का शिकार करना, फल, जंगली जड़ें, कंद और शहद संग्रहित करना इनका काम है। जारवा जनजाति को इन सबको संग्रहित करने के लिए अक्सर 12 टन द्वीप पर लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। 12 टन द्वीप की अगर बात करूं हम लोग, तो देखिए ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा 12 टन। ये अंडमान आइसलैंड है आपका, अंडमान निकोबार, इसमें यहाँ आपको 12 टन आइसलैंड देखने को मिलेगा द्वीप। ठीक है, 12 टन द्वीप अंडमान द्वीप समूह का एक द्वीप है। यह उत्तर एवं मध्य अंडमान प्रशासनिक जिलों के अंतर्गत आता है, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के भारतीय संघ क्षेत्र का हिस्सा है। इसे रांची वालस द्वीप के नाम से भी आप लोग जानते हैं। कई बार पूछ लेगा आपकी क्या 12 टन द्वीप को अन्य नाम से कौन सा नाम है इसका? रांची वालस द्वीप। ठीक है, 12 टन द्वीप भारत के पंख ज्वालामुखियों का एकमात्र ज्ञात उदाहरण है। इन पंख ज्वालामुखियों में छिटपुट तरीके से विस्फोट होता रहता है। वर्ष 2005 में हुए ज्वालामुखी विस्फोट का विश्लेषण करने पर अनुमान लगाया गया कि विस्फोट वर्ष 2004 में हिंद महासागर में आए भूकंप से के कारण हुआ था। एक पंख ज्वालामुखी या पंख गुम्बद मिट्टी, पानी और गैसों के विस्फोट से निर्मित एक भू आकृति है। इसे देख रहे हैं आप लोग। तो जारवा पुरुष एवं महिलाएं दोनों पेड़ों से जंगली शहद संग्रहित यानी कि इकट्ठा करना करते हैं। शहद संग्रह के दौरान समूह के सदस्य अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए गाना भी गाते हैं। जारवा लोग शहद संग्रहण के दौरान मधुमक्खी भगाने वाले पौधे जैसे ओएक वलिन की पत्तियों को चबाते हैं। एक बात और आपको बताऊं यार, कभी आपको अगर संस्कृति को देखना है, अगर किसी की संस्कृति अभी भी बची हुई है 21वीं सदी में, तो जनजातियों के क्षेत्र में जाकर देख सकते हैं। लेकिन ऐसी भी जनजाति के क्षेत्र में मत जाइए जहां आपको पाबंदी लगी हो, मालूम चला कि उन्होंने आपको उड़ा दिया, तो इससे भी बच के रहिए। उनकी मतलब बड़े अच्छे तरीके से जाया करिएगा, डर के थोड़ा, समझ रहे हैं? और वहां जो भी बोला करिएगा थोड़ा डर के संभल के। चलिए ठीक है, जनजातियों को याद रखिए। वैसे आपके MP में देखते हैं आप लोग कि बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक समय हुआ करता था कि MPPSC में आपका सबसे ज्यादा जनजातियों से पूछे जाते हैं। अब देखिए इस बार का सिलेबस बदल चुका है, तो आगे क्या आता है वो क्वेश्चंस पेपर से पता चलेगा। लेकिन इतना है कि क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाएंगे आपके उसी से, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है,